अब बेटा जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आपका आता ही आता है। इसका मतलब पेपर क्या हो गया? लीक। हेलो गाइस, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो बेटा अब हम करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, मतलब के फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.4। इसमें बेटा 10 पार्ट्स हैं और 10 में से 90 से 95% चांस रहते हैं कि एक आधी क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो अब आप समझ सकते हैं ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल बिना देरी किए, एक सेकेंड भी नज़र बिना हटाए वीडियो को एंड तक देखिए और हर एक क्वेश्चन को मैं बहुत इजीली समझाने वाला हूं। फोर्थ पार्ट, तो बेटा फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो दिया हुआ है दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। और एक चीज और भी बताई उन्होंने कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व कीजिए, ठीक है। कई बार बेटा क्वेश्चंस में नहीं दिया होता है तो हमें खुद समझना होता है कि जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही है तो बेटा फिर आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हो, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हो, तो बेटा 1 sec a ओवर sec a, ठीक है भाई। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं इसमें भाई, इसको साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो देखो 1 तो एज इट इज रहेगा, sec का फॉर्मूला क्या होता है वहां से देख लो भाई, 1 ओवर cos थीटा, थीटा की जगह पर a है तो a लगा देंगे। और फिर क्या है sec, sec को अगेन हम किस में कर लेंगे बेटा, cos में। इतनी बात बेटा सबको समझ में आ गई। अब देखो इधर LCM ले लो, LCM लोगे तो क्या आ जाएगा, cos a प्लस 1 ओवर cos a। और बेटा ये जो मल्टीप्लिकेशन का डिवाइड की साइन है ना, इसको बेटा मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो भाई, इसका रेसिप्रोकल करके। तो बेटा कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और आंसर क्या आ जाएगा आपका, कॉस ए प्लस 1। अब बेटा मैं क्या करूँगा, टेकिंग राइट हैंड साइड, तो बेटा राइट हैंड साइड ये रहा। बेटा राइट हैंड साइड में देखो साइन स्क्वायर थीटा का मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा भाई, 1 cos² थीटा, और थीटा की जगह पर बेटा 1 है इसलिए मैंने 1 लिख दिया। किसी कोई दिक्कत भाई, ये फॉर्मूला लगा दिया वहाँ पे, देख लो, देखो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 cos² थीटा। अच्छा एक बात हो, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, a² - b² की आइडेंटिटी लग जाएगी। और a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a + b a - b, और बेटा डिनोमिनेटर तो 1 cos a ऑलरेडी है ही, तो बेटा ये हो गया कट्टम कुट्टी और आंसर क्या आ गया बेटा, 1 cos a। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। किसी के बच्चे के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा भाई, यहाँ पर तो cos a प्लस 1 है और यहाँ पर 1 cos a, भाई प्लस में तो आगे पीछे कर ही सकते हो तो सेम ही है, ठीक है। अच्छा जल्दी से बेटा ये नोट करो और देखते हैं अपना फिफ्थ पार्ट।